आज हम मिलाने जा रहे हैं हमारे एक बछड़े से जो चल फिर नहीं पा रहा और जिसको कैंसर है। अरे कहाँ गया, अरे कहाँ गया, यहीं पर तो बैठा होता था फर्स्ट चैम्बर में। अरे मुझे ओम दिखाई दे रहा है, मैं ओम से बोल रहा हूँ। ओम, यहाँ पर ना एक कैंसर वाला बछड़ा होता था, वो कहाँ गया? अरे क्या हो गया आपको भैया, उसे ठीक हुए तो महीना हो गया है ना, अभी उसे कैंसर भी नहीं है, अच्छा चल देता है। जैक्सन शुरू से ही ऐसा नहीं था। जैक्सन शुरू शुरू में जब हमारे हॉस्पिटल में आया तो ये हमारे फर्स्ट चैम्बर में ही पड़ा रहता था। हमने जब इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट किया तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक कैंसर का शिकार हुआ बछड़ा ऐसे बच भी सकता है, क्योंकि इसके फर्स्ट ट्रीटमेंट से ही इसकी हालत पता लग रही थी और डॉक्टर भी बोल रहे थे कि हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन बच सके। जैक्सन का ट्रीटमेंट तो छोड़िए, लोग उसको देखकर उदास हो जाते थे, लेकिन उसी समय मोहित और अभिनव हमारे दो सेवक सामने आए। मोहित जी थे जो हमारे रेगुलर सेवक थे, उन्होंने बोला कि मैं जैक्सन को अडॉप्ट करना चाहता हूँ और मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा। मोहित जी अपने रेगुलर बेसिस पर आते और अपने ही समय पर आकर जैक्सन का ट्रीटमेंट करते, और उसी समय जो अभिनव थे उनको जैक्सन के ट्रीटमेंट के लिए समय नहीं लगता था, लेकिन वो जैक्सन के जो भी मेडिकल का खर्चा रहता था वो अभिनव जी देते थे। इसी कारण जैक्सन को अब मोहित और अभिनव दोनों ने अडॉप्ट कर लिया था। जैक्सन की ज़िंदगी की नई शुरुआत हो गई थी, क्योंकि जैक्सन अब चल फिर भी पा रहा था और इसका कैंसर भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। और अब जब जैक्सन ठीक हो गया है, जो लोग इससे इरिटेशन करते थे, जिन लोगों को इनका जख्म देखकर थोड़ा मन में घबराहट सी होती थी, वही जैक्सन के पास 10-10, 15-15 मिनट खड़े रहते हैं और जैक्सन को देखते रहते हैं कि आखिर ये बछड़ा इतने तेज़ी से ठीक कैसे हो गया। जैक्सन की ज़िंदगी से मैंने एक बात तो सीख ली है कि हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए बजाय लोगों की सुनने के। अगर आप हमारी और जैक्सन की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए